से हम बता रहा हूँ, खेल मैदान के हवाले से, प्यारे शिविर के हवाले से मैं बात बहुत पहले कहा था कि परवरदिगार ने आज संघ की मिट्टी को बड़ा उत्साह बनाया, अपनी सखी सुनाया है। और कभी मैंने ये कहा था कि पंचायत रिश्तों की तजारत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। इसकी तारीफ में आप बताऊं तो आसमगढ़ में क्रिकेट का जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट घरेलू क्रिकेट का जो जरूर इसका जादू जुस्सा चक्कर बोल रहा है, ये बात इसका खाता इसका सेंटर कोर्ट बंटन क्षेत्र द्वारा इंग्लैंड के सरजमीन में क्रिकेट को जरूर हुआ। उस समय में क्रिकेट जब धीरे धीरे लोगों की निगाहों में आ रहा था, जब धीरे धीरे इन लोगों के दिलों में रचना करना शुरू किया, उस समय में क्रिकेट का कोई वजूद नहीं था, क्रिकेट की कोई पहचान नहीं थी, क्रिकेट को जाना पहचाना गया, जिसे हम अपनी जबान में छेनू कहते हैं। उसके बाद टीम बदलता रहा, तारीख भी बदलती रही, वक्त गुजरता रहा और पहली बार जो आसमगढ़ में 23 साल के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, नया क्रम की बुनियाद 1981 में शहर आसमगढ़ राजा के किला में 23 साल के टूर्नामेंट का पहला टूर्नामेंट खेला गया, जहां पर 27 टीमों ने भाग लिया था। बिपिना हुआ है तो पीछा होता है जाना चुके आप बताइए के पड़े अधुराखिया पड़े आप कि हमारे सारे वकाई ने कितनी कुर्बान दिया है। ये जो तिरंगा लगा रहा है, तिरंगा लगाने का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ऋषभ के लोगों ने तिरंगा लगा कर ये बता दिया है कि इस तिरंगे से जो खुशबू आ रही है, इस तिरंगे से जो हमें असनात 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 एकता और अखंडता और इस तिरंगे में शहीदाने वतन की कुर्बानियां भी शामिल है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाया गया है, ये बताया जा रहा है कि हमारा यूनिट जो 3 कलर में हम झंडे देख रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का खून पसीना शामिल है, तब जाकर ये हिंदुस्तान को आजादी मिली है। और कभी मैंने यूँ कहा था कि वो भी हमारी है, मेरे सब के लोग या अगर आपके लोग बात आपकी समझ में आ जाएगी तो अपने लिए तालियां बजा लेना, मैं तो अपनी बात कहकर चला जाऊंगा कि वो भी हमारी है और ये भी हमारी है, कायना खेले थे हमारी है और हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना, एक हाथ का खाना है, एक राजकुमारी है। बहरहाल आइए कुछ क्रिकेट के यहाँ से बात करने जाए, आप जो छोटी सी गेंद देख रहे हैं, ये 4 इनिंग की खुदाई में उसका वजन मैं आपको बताऊँ 158 ग्राम का होता है, लेकिन इनकी लंबाई होती है 28 इंच की होती है और नान स्ट्राइकर और स्ट्राइकर की जो दूरी होती है बिलरियागंज और स्वराज के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, उसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जानकारियों के साथ मैं तमाम लोगों से दूंगा, अगर इस नाती से कोई गलती हो जाए तो अपना भाई और बेटा समझ कर मुझे माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। गलती हो जाए तो अपना बेटा समझ कर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि शायरी का शहजादा हूँ, कलम मेरी रानी है, अल्फाज मेरे गुलाम है, बाकी अल्लाह की मेहरबानी है।
बिहार फाइनल में है भाई। ये देखिए गोद में आता प्रेशर डिंडोरा, तो पहला मुकाबला आपके सामने न्यूज़ीलैंड सीमो बिस्कंडा लाइन आपका निर्देशक सीमो मिस्टर आराधना एक छोटा पहले यानी पहला हार पहले सूर्य क्रिकेट को बहुत बार में इसी मशीन हाथ में पड़ी है। अरे पता नहीं कौन है भाई, मुझे खुद नहीं मालूम सहनसा भाई, मैं इसीलिए फालतू लोगों का जवाब ही नहीं देता भाई। वार्डन बिल्ला चिल्ला बुलाए ले जैसे ये काम पूरे गंगा पटरो बुलावान तो दिमला के जल्दी जो ना आकर खेले वाले का बोला साले उन्हें खेले वाले हैं वालेकुम अस्सलाम एहतेसाम भाई वालेकुम अस्सलाम रहमत भाई अरे भाई वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई वालेकुम अस्सलाम भाई परवेज भाई वालेकुम अस्सलाम। चलिए भाई सब लोग जुड़ गए भाई, एक एक बार सब लोग शेयर कर, आज सब लोग शेयर कर ले, आज 100 शेयर होना चाहिए। किसान भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, ये पहली गेंद आते ही सलामी दाग दिया है बाउंड्री लाइन के पास 6 रन के लिए। इंडियन में भी चालू हो जाएगा भाई, परवेज भाई आज खुरासा नहीं है, आज खुरासा का मुकाबला वहाँ पे खेला जाएगा। खुरासा आज मंगरावा में खेलेगी जिसमें सैफ सैफ मलिंगा फैसल है अज्ञात है सदाम भाई देखेंगे भाई बब्बू भाई सदाम भाई आ जाइए आ जाइए सर फैसल भाई खेलेंगे अब उसी में ढूंढिए देखिए कौन था फालतू बोलने वाला सैंसा भाई। स्लॉट में भेजा है बाजू के प्लॉट में आज जो टीमें हैं वो है रहमानीपुर खंडवारी जागापुर खंडवारी का तीसरा मैच है सदा भाई तीसरा मैच खेलेगी खंडवारी बद्रमान जो हमारे दर्शक जो ऑडियंस जो मंगरावा में आनंद भाई आसिफ भाई है आसिफ भाई नहीं नहीं नाराज ना है दोनों काम हो गए ना पावर भाई माइक सब उधर ही लगा हुआ इसीलिए आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
मोनू अली के मैच हो रहा है मिर्जापुर में भाई, मिर्जापुर अभिषेक जागापुर का दूसरा मुकाबला है भाई, जागापुर वर्सेस हनीप्रसाद, इसको कार्ड पर अनुशासन का दूसरा मुकाबला है स्वीकार कर लिया गेंद पड़ने के बाद आप स्टर से अच्छा खासा बाहर निकले बैठ के इशारा मानो ऐसा लगा कि सामन के झूम फुआरों कोई मोरनी मदमस्त हवाओं के साथ अपने मन को फैला दिया हो बैठ के भरी प्यार 31 रन बैठे हुए हैं अकबर बादशाह ये प्रतिभाशी करता है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक ब्रिलियंट स्ट्रोक लाजवाब छक्का 37 रन ये बिल्कुल जोन में उनकी पड़ी ना बिल्कुल रडार में ये थी अकबर की और खूबसूरत रिटर्न के साथ गेंद को लॉन्च कर दिया डीप मैदान के ऊपर 6 रन के आउट करने से होती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर भाई यहां का अंतर तो नहीं है खंडवारी में अरे खंडवारी मिर्जापुर में कौन एक छक्का ये चला भी है पूरी ग्राम से मान चल रहा है भाई मिर्जापुर की टीम पूरी ग्राम सभा है और नियाउज में अहमर भाई थे और शौकत भाई हैं आउटर मिर्जापुर की टीम 45 तीसरा ओवर चल रहा है 43 रन हो गया है
खुरासों का भी देखना पड़ेगा भाई, ओसामा की टीम। हाँ भाई, अरसलान भाई, ओसामा का मुकाबला, तीसरा मुकाबला खेला जाएगा भाई खंडवारी का। भाई न्याउस में आउटर में अहमद भाई सिद्धू हो रहा है और शौकत भाई अब ये तनवीर भाई बता नहीं सकते कि नुमान भाई माइक कहीं पे है कि नहीं। जागापुर का इसके बाद है भाई, जागापुर वर्सेस धन्नीपुर इसके बाद खेला जाएगा। इब्राहिम भाई नियाउस में आउटर भाई बता तो रहे हैं अहमद भाई है और शौकत यार ना वजी पुक्तिना का बराबर मैं को हलकल का बहुत कम और एक तो है ये हो सकता है और जो नेट सिंगल होगा निकाल के नहीं लाइक बांध दे भाई मौसम ऐसे आ रहा है गाइस तो मजा आ जाएगी। अब आए हैं टीम कैप्टन बद्रमान बारिंग के लिए, सामने है फयाज, फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज। अभी आज तो खुरासों का नहीं हो सकता भाई, कल खेले या परसों खेले खुरासों। सौरभ भाई ये चल रहा है मिर्जापुर बनाम न्यूज़ा। आप देख रहे हैं मिर्जापुर का उसके पास नहीं आउस तो आप लोग जानते ही होंगे ना, चलिए मशहूर गांव बता देते हैं, मिर्जापुर ब्लॉक नाम सुने हैं। लाहिड़ी बाजार है, लाहिड़ी बाजार के बाद से 3 किलोमीटर है। और टीम कैप्टन अब्दुल रहमान है हैट्रिक पर, और हारून कस्बा माहू शुक्रिया बताना चाहिए जाएगा। अरे हारून का हैंडल कर दे, हारून नहीं कौन गणेश नहीं भाई, दुर्भाषा के पास नहीं है, दुर्भाषा से आप आएंगे नियाउज वाला रोड पकड़ के तो दुर्भाषा से मुझे लग रहा है 7-8 किलोमीटर है भाई।
और अब्दुल रहमान के लिए माता प्रधानपति प्रत्याशी मिर्जापुर की जानेब से 50 रुपए इनाम आया है। खपड़क गांव से अंदर आना पड़ेगा। और अच्छा स्टोक्स यहाँ पे खेला है। अभी तालाब पट्टी का आज तो नहीं है भाई, उनका बैक लेफ्ट के साथ भाई कल देखेंगे। उसे ड्राइव किया और बैक में बैक और बैक को साथ मिला के लिए और जब तक ये दो शॉट लॉन्ग बटलो सर्कल लाने के भीतर बैट्समैनों ने छोड़ के बदल लिया। इसी सिंगल के साथ अगर स्कोर 8 रनों की संख्या की बात की जाए तो स्कोर इस समय 60 रहा है। लगातार हो रही है, ऐसी गेंदों से बचना होगा ना चाहे होती है। ऐसी गेंद बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक साबित होती है, किसी एक टीम के लिए हार का कारण होती है, किसी एक टीम के जीत का समय बन जाता है। ये गेंद एक एक्स्ट्रा रन मिलता है और एक अतिरिक्त गेंद मिल जाती है बल्लेबाज को अपने खाने को दिखाने के लिए। एक और बेहतर गेंद बिल्कुल इसी पॉइंट पर ढकेल कर तेजी के साथ गेंद चुरा लिया। जब तक अभी सेव गेंद को सेव करने थ्रो कर रहे बल्लेबाजों ने तेजी के साथ में बढ़िया रनिंग विकेट को विकेट आखिरी रन पूरा कर लिया। गुड रनिंग बिल्कुल का विकेट मिस्टर विवेक एंड अकबर। मकसूद भाई पुंडियार वाला मैच अभी चालू होगा, चालू नहीं हुआ क्या अभी? अंपायर स्नात और सेकंड अंपायर कौन है ये पता नहीं, जरा नाम बता दे। और छह खिलाड़ी बाउंड्री पर 5 खिलाड़ी सर्कल लाने के भीतर रखना अनिवार्य है। 68 रन हुआ है भाई, 5 कॉम्बिनेशन जरूरी है। सर्कल लाने के भीतर 5 खिलाड़ी और 6 खिलाड़ी को आप बाउंड्री के किसी भी हिस्से पर तैनात कर सकते हैं। एनसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत टूर्नामेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है तस्मीनी कमेटी या क्रिकेट टूर्नामेंट। भाई भाई वालेकुम अस्सलाम भैया। भाई जो टीम खेलेगी अच्छा वही रखेगी ना मकसूद भाई। 3 विकेट हुई है साहिल भाई, 3 विकेट। पांचवा ओवर वसामा राउंड विकेट और पहली गेंद को आया ये जैसे देखा कि बिल्कुल शॉट नहीं है, जिसकी गहराई का इस्तेमाल करते हुए बल्ले को मिलाया जो कि आई से बीचो बीच ही इस गेंद को बल्ले पर और खूबसूरती के साथ खिलाड़ियों की मदद से गेंद को ग्राउंड कर भी अपने के अंदाज में इसको आया वाले की ऊपर 6 रन्स के लिए। बिग शॉट सेहत मात्र तंदुरुस्त पूरी दमदारी के साथ एक दमदार स्टेप खेला मोहम्मद अकबर ने स्कोर के ऊपर आकाश के मार्ग से ये पहुंचे मार के ऊपर सीमारे का भी आज 6 रन के लिए। ये छक्के की बुलावट इसको कहा गया पहुंचा है 72 के ऊपर। जागापुर का है भाई सामा तैयार दूर वाले छोर से भाई इसका हम जवाब नहीं दे सकते। राइट आर्म में अभी थोड़ी देर में सुसु वाला मैच चालू होगा भाई। मतलब सेवन है ये जा रही है डोमेस्टिक क्षेत्र में जहां पर पूरा क्लियर है। बैल से पहले गेंद को रोक लिया गया है केवल एक रन इसलिए सिंगल की सहायता से स्कोर 73। पांचवा ओवर चल रहा है अभी ये तीन वाला थोड़ी देर में चालू होगा भाई। दो मैच है इसलिए थोड़ा सा लेट ही चालू होगा भाई। गेंद को लेने के लिए अच्छी खबर है न्याओ चल रही है पहली पारी चल रही है उनके अगेंस्ट जो टीम मिर्जापुर है ये युवा क्रिकेटर से इन्वेस्टर से सभी नौजवानों से सभी टीम है उनका अपना बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है। मुंडियार का मुकाबला 206 दुनिया में और
और गालबन अभी कल का मेरे पास आया भाई, नहीं आया शाम को शेड्यूल मिलेगा कल का तब फिर डाल देंगे भाई। आप क्योंकि पर्ची वाला मामला हुआ नहीं है कि पर्ची उड़ेगी तब क्लियर होगा, पर्ची उड़ी होती तब क्लियर रहता। क्या भाई कौन सी टीम कब था, आज इसकी कहानी लिखी जा रही है। चौथा चौथे विकेट का पतन होता हुआ और इस तरह से चौथा विकेट जाता है उसका। अब जा रहे हैं अजमली सलाही, नाटे कट का खिलाड़ी है, भोजपुरी में कहावत लगभग 4 फुट 3 इंच कट की लंबाई है, लेकिन भोजपुरी में कहावत आपने को सुना होगा कि बेतन में लागे छोट घाव करे गंभीर छोटा पैर का धमाका। होगा ये समय के घर बोले फ्यूचर यहाँ खेलेगी भाई, मुंडियार खेलेगी यहाँ पे भाई, अरकम भाई मुंडियार यहाँ खेलेगी, मुझे लग रहा मुंडियार शायद परसों खेलेगी। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, तमाम बुजुर्गों का शुक्रिया, माता साहब देखे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अच्छी खासी संख्या में हमारे बुजुर्ग यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक बेहतर गेंद ओपन एंड गोल के नाल सुंदर चश्मा पहन कर पैरे लिया, पांचवा आधार भी 73 पर जब गिरने का जो अंतर था, पहला 14 पर, दूसरा 69 पर, तीसरा 69 पर, चौथा 73 पर और पांचवा 73 पर, ये फॉल आउट केस है। अंपायर को हटाया जाए, अपील की जाती है ऐसे ना, पूरे चिल्लाओ गलियां से नहीं देख रहे, आउट दे आउट दे आउट दे आउट दे, सात भाई गए थे कम से कम। तापिस भाई उमेरवत का सटाए आर्यन, ये कौन की दावत थी, सटाओ ना कीपर तय कू है, लगाए लगाए ढंग है छह का है दरवाजे तैरवा में, पांच तो तैरवा में नहीं गिनना, छह मिला सस्ता कुल नशा कह लगे इनका, छह मिला देख दू तीन अलफेर चा चार माता ऊ जंग चा पांच उसामा छह बाहर ही तब इस मैदान का और अक्सर मिस्टर चरण परिंद के साथ चरवाहे भी, ये अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम मिर्जापुर के प्रांगण से नहीं बल्कि रोज होशा जिला मैदान से आप टूर्नामेंट देख रहे हो। क्या सुंदर दृश्य, दो सिंगल मिस याकिब गड़िया बाप गड़िया बाप और बताएं सब लोग भाई कैसे हैं भाई, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे भाई, वीडियो को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं भाई, फॉलो भी करें, फॉलो करना ना भूलें, फॉलो करने वाले तो भाई फॉलो करने वाले खाली लाइक और शेयर ना छटावर है अकबर जो कॉर्नर एरिया यहाँ से कमेंट्री बॉक्स के सामने से, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त
तक देखी जा रही है क्योंकि पांच सामने पांच आउट है। इस मरतबा गेंद हवा में है, उसके नीचे फील्डर आ रहा है लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद फील्डर को टीस करते हुए हाथों हुई मधुर संगीत सुनाते कहते हुए बाहर निकल गई कि क्यों पाए तू मेरे चक्कर में, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाले। ये मधुर संगीत सुनाते हुए क्षेत्र रक्षक को गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए उस चौके के साथ स्कोर कार्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची है 81 रन पर 81 जाना होगा मैदान के बाहर। गेंदबाज ने बल्लेबाज को बचाया, बल्लेबाज ने गेंद को लहराया और उस ओर खिलाड़ी को मिल गया बॉल का साथ। अखर की पारी हुई समाप्त। टीम शानदार सिक्स में शामिल है, पांच रन का शामिल बाकी है। संघर्ष करना होगा। आइए लगा है हाथों में, हालांकि नॉन स्टार्टर बल्लेबाज रन के मन बनाया तो लड़ाई हुआ था लेकिन विकेटकीपर हावी प्रत्याशी मिर्जापुर। हम शुक्रिया अदा करते हैं मिर्जा सुफियान साहब, मिर्जा साजिद भाई और बहुत सारे हमारे दोस्त और बुजुर्ग कमेटी बॉस की दाहिनी जानिब देखे जा रहे हैं। थोड़ा सा बुजुर्गों का नाम पता, जो हमारे आइडियल जो हमारे सीनियर लोगों का नाम पता थोड़ा सा आपके नाम से थोड़ा सा नाम बता दें आप लटन चाह यहाँ पर देखे जा रहे हैं। शुक्रिया और उनके साथ बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ है ऐसे में जो रन औसत है वो 14 का है, ताकि वो 14 बनाए, 14 का टेबल बनाना अनिवार्य है। मिर्जापुर के लिए हर रन 14 बनाना है, आसान नहीं लगा है लेकिन फिलहाल ये क्रिकेट है। बहुत ही मुश्किल होता है क्रिकेट उनसे क्या खाक में दिल की हिफाजत होगी और कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना जैसे दरियाओं के पानी पे रवानी लिखना। तो पानी ले लिया वाला है हर ओवर में 14 रन बनाना है। बिना कैद कई मिनट चली ले लिया अब तो स्विच ऑफ हो जाए मोबाइल दोनों हो अरे हमारा ना है पावर खेला क्रिकेट टूर्नामेंट आज रही है। पहला मुकाबला सोनू यादव, सलमान खान, साहिल खान, राजपूत, इब्राहिम। हाँ वसीम भाई आउटर वाला है भाई, वसीम शेख दो आउटर है, नौकर दो है भाई। इसका होकर नहीं शहनशाह आजमी
मुख्तार इफ्ताह साहब, इफ्तिखार साहब मुंबई से, लोग सऊदी, दुबई, हांगकांग, मलेशिया, कोलकाता, पहराइश, बेंगलुरु, कर्नाटक से लोग टूर्नामेंट देख रहे हैं। ये टूर्नामेंट कामयाब होने की जमानत है। टूर्नामेंट की चर्चाएं दूर तक हो रही है। मिर्जापुर में मिर्जापुर आजमगढ़ सबके लबों पे सिकरी से तिल रुबा का था। टूर्नामेंट है, इसके लिए मिर्जापुर टूर्नामेंट खत्म हुई है भाई। सेकंड इनिंग चालू होने जा रही है दानिश भाई, चालू हो रहा है रोज चिल्ला तरह कप्तान बाइटिंग दूसरा चैनल कौन है? कस्बा माहौल अगर हो तो हैंड ओवर कर दे हम सर। एशियन स्पोर्ट्स आसम का क्रिकेट लाइव, एमएस क्रिकेट लाइव, वॉलीबॉल मानसून आई मिर्जापुर स्पोर्ट्स जी धन्यवाद। मिर्जापुर स्पोर्ट्स फेसबुक पेज पर जो आपने दिखाया जा रहा है मिर्जापुर विलेज लाइव अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा भाई। सम्राट का मुकाबला भाई मिर्जापुर में नहीं है, मुंडियार में आज खेला। ए यार ये खेल रहा हूं भाई, नौटंकी हो रही है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अहमद और एम डी सैफी ये भी जुड़ चुके हैं। दूसरा ये दूसरी पारी टॉस जीता ने आउट की बल्लेबाजी की है। लाइट शो छह ओवर का दो आउट है भाई, आयन भाई दो आउट है, नौ दो का टारगेट दिया है। मेरे साथ को प्रति ओवर 14 रन बना है। पहले बड़ी गेंदबाजी स्क्वायर गेंदबाज सैयद सलाम दो प्रारंभिक बल्लेबाज इंडिया पर टीम का सारा दारों मुकाबले में होता है। चूंकि ये बल्लेबाज की टीम की बुनियाद रखते हुए खोलते हुए साफ है जब बुनियाद बेहतर तैयार होती है बीमार और बेहतर तैयार होती है। दोनों बल्लेबाजों का नाम जानते हैं जमशेद और उबैद। जमशेद और उबैद की जोड़ी मैदान पर है। 84 का टारगेट 36 बालों पर 30 मिनट का 36 मिनट 36 किलो पर वक्त हमने सफल लंबा है। बड़ी ही मुश्किल अगर पंगट एक आस पास अगर मिर्जापुर में दृष्टि गोर से अगर बात की जाए बहुत बड़ी चुनौती है। इस बार गेंद अंदर प्रभावित मारे वाली गेंद नहीं मार से अंदर बंद ये चले गए थे ये बोल गए हां तो भाई तुम बैठो से मत एकदम बोलिया नहीं पर बोलिया पर कुछ ना कुछ मन डिस्टर्ब है ना उन्हें और जब तक ये फोन से ये जो फील्ड हो बल्लेबाजों के पास समय था कि वही है ये खाता खोला बल्ला ना देखते हैं टीम का सिग्नल से ये जो है प्रयास लेफ्ट आर्म और राउंड करके अभी खटवारी कौन आउट है पता नहीं है भाई। यदि एक में बाउंस किया है कि एक मिड फील्ड पर खेला है स्कोर केवल एक रन। हालांकि एक सिंगल के साथ स्कोर बाद जा पहुंचा है दो के ऊपर। एक ही घर मारकर दोनों बल्लेबाजों ने खाता खोल लिया। जमशेद और उबैद की जोड़ी मैदान पर है। बहुत बड़ी चुनौती है इस मौका बैट का ओपनी और ये डाले हिट करने का प्रयास अगर डाले हिट स्ट्रिम हो गया होगा तो जमशेद खाते में आ सकता है और सौभाग्य साली अपने हाथ में साठ लाई लल्लू पापा थ्रो अन्यथा यहाँ पर रोकता है लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग अनुशासन में गड़े देने के लिए थी ये क्रिकेट अनुशासन के साथ मानव जीवन अनुशासन में सफलता की कुंजी है। अब तक मारे तो स्टिक उड़ गई होती और खान दानिश क्या दानिश भाई खेता तरह आज नहीं है खेता तरह देखना कब पे लगे इन तमाम नौजवानों का फिर से भाई फिर से
हमारे शाहीन आफरीदी अरे वालोतन बहुत उल्टा लिखा था कमेंट में ना सब ठीक है प्लीज भी लिख ताबिज भाई अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया अपनी बताए भाई प्रदीप भाई हेलो भाई बोलिए भाई मिर्जा ताबिश इन जुड़े हुए हैं हम शुक्रिया अदा करते दानिश आज ही खेला जाएगा प्रदीप को और खालिद आसी अदनान खान तमाम लोगों का शुक्रिया बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आज पहले वालेकुम अस्सलाम अदनान भाई मात्र दो रन 84 का टारगेट है बहुत बड़ा यहाँ पर टारगेट है 14 रन प्रति ओवर बना है आसियान साहब का जवाबी अपना लक्ष्य रहेगा आठ लेके जा रही है शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बड़ा नाम है अरे सौकर भाई बात की जाए तो शौकत आए हैं इस सिल्वर के लिए बढ़िया गेम डाउन द ग्राउंड मिस फील्ड और गेम की सीमा रेखा पार रन मिल जाएंगे चार गेंदबाज शौकत वाला चार नबी साहब के लिए आया बढ़िया समाचार इस चार के साथ स्कोर कार्ड छह नहीं भाई अभी गहनी का मैच चौथा मैच है भाई गहनी और खंडवारी का है ना नहीं गहनी खुद वर्ष उदय भान 11 रहमानी पूरा है ना है रहमानी और पूरा गेंद फलक में चार हलक में दो तो खिलाड़ियों के पास है संदर्भ अगर क्रिकेट में कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि आम में लंगड़ा खाने में रगड़ा चारेदार कपास सास पतों का झगड़ा और कैंसर का पकड़ा बड़ा मजेदार होता है सुबह शुरू हो गया शाम तक की फुर्सत और 14 रन था अब यहाँ से लगभग 17 या 18 मुकाबला अगर हम बात करें मिर्जापुर के दृष्टिकोण से अगर बात ये मिर्जापुर के लिहाज से बात की जाए तो मिर्जापुर के लिए मुकाबला कहीं ना कहीं दो धारी तलवार की तरह है और आप इस बात को समझ सकते हैं दो तलवार एक मयानी ने किया सकती व्हाइट का इनके गेंद होता हुआ अंपायर हसनात का हसन रिहान आसी शाहिद खान और मंटर बोलते हंटर बोलते ये भी जुड़े हुए टूर्नामेंट से कोई भी आदमी दुनिया में इतना खूबसूरत नहीं होता जितना की उसको फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है और कोई आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसको आधार कार्ड में दिखाया जाता है जिंदगी ही होती है प्रति तजुर्बात से मिलती जाती है आगे बढ़ती है जिंदगी इसी का नाम है और इन तमाम बातों को हम आसानी के साथ सहन कर जाते हैं बढ़िया हमें तमिलनाडु
दू तो हो गवा है दूर मार भाई दू तो मैं रिकॉर्ड कर चुके हूं एक बार बहुत बोलत रहे ना दोनों रिकॉर्ड है यहां पर है इस दबाव से निकलने के लिए वो कम रात के डलवा पे वीडियो बनाएगा वैसे लेटर पर पांव रखना होगा जो बल्लेबाजों ने 84 रनों की गांठ को बांध रखा है स्कोर बोर्ड पर उस गांठ को न्याउस के बल्लेबाजों हां भाई केकेआर है लेकिन आज नहीं खेलेगी भाई केकेआर दबाव है अच्छा पश्चिमी छोर में आप देख सकते हैं कि बादल धीरे देखे जा रहे हैं हमारे बीच राशिक प्रधान कजरा कोल जो परिचय का मुताज नहीं है हमारे बीच थोड़ी देर में जुड़ने वाले हम शुक्रिया अदा करते हैं राशिक प्रधान आप कजरा कोल कहीं भी टूर्नामेंट होता है या कोई भी इस तरह के सामाजिक कार्य होते हैं वहां पर उसकी आवरी होती है और एक नाम उन्हीं के साथ जुड़ा रहता है अब्दुल रहमान फुल्लानी डॉक्टर शिवाशपुर हम शुक्रिया अदा करते हैं रफीउद्दीन तोआ ये कहने के रिजवान साहब के होटल में बैठ कर टूर्नामेंट को लाइव देखते रहते हैं हम शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का मात्र 20 रन और ये तीसरा ओवर है काफी ज्यादा दबाव इस वक्त मिर्जापुर के ऊपर बीच मझधार में नैया डगमगा रही स्कोर का एक और आघात कार्बन कमाल कैश कैश और गटे आज दिन का वाक्यतन बहुत ही लाजवाब कैच जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है आउटस्टैंडिंग कैश कार्बन कमाल कैश कैश और गटे कल खेले या परसों खेले अब वो कमेटी डिसाइड करेगी 9 रन बनाकर अली शेर आउट और मिर्जापुर स्पोर्ट से दबाव शीर्ष मजदार नैया डगमगा रही है मिर्जापुर कप्तान के माथे पर चिंता की लकीरों की दरारें साफ देखी जा सकती है मानो ऐसा लग रहा है कोई खतरनाक नागर या कोई कोबरा सांप मिर्जापुर कप्तान के कलेजे पर फनकार कर दस्तक दे रहा हो ताबिश पहुंचे बल्लेबाजी के लिए बेहतर गेंद बैट पर पैट पर गेंद लगने के बाद विकेट पर लुढ़क कर रही कोई रन नहीं अकबर है विकेट कीपर गेंद को फील्ड किया अहमर को गेंद थमाया अहमर के माध्यम से पहुंचाएगी फैयाज को कोई रन नहीं इसके ऊपर बढ़िया गेंदबाजी यहां पर बिल्कुल एक ही रन के आपके हाहाकार मचा हुआ सूखा पड़ा हुआ है तीर आया है ये गेंद गिरी है तीर दसकाओं में हार का अंतराल जो दूरी होती है उसे कम कर सकता है जीत की अगर बात की जाए तो बेसब के खिलाड़ियों का साया उनकी परछाई इस स्कोर की दिक्कत नजर नहीं आ रही अब हर एक पर चौके और छक्के यहाँ है तब जाकर कुछ बात बनने वाली है चूंकि तीसरा ओवर चल रहा है कुल मिलाकर रनों की संख्या अगर हम देखें तो स्कोर बार रनों को दिखाया जा रहा है फरहान खान तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं झंडे ले रहा है कल खेलेगी शायद राजापुर की और तिरंगा भारतीय की भी टीम है भाई ये ध्वज जो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लहलहाती नजर आ रहे हैं लहलहा रहा है झंडा फिजाओं में क्या बढ़िया नजारा है इस चटियल मैदान को मामूली निवास देकर क्रिकेट का रूप दिया है अहले मिर्जापुर एमपीएल ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट मिर्जापुर को मुबारकबाद 26 रन एक और शॉट डिलीवरी एक और बेहतर गेंद शौकत बढ़िया गेंदबाजी जिसके लिए नाम
पूरे हिंदुस्तान में विख्यात है। शौकत का लंबा कैरियर है, अहमर का लंबा कैरियर, लंबी दास्तान है क्रिकेट के मैदान पर। और फयाज ये तीन जो खिलाड़ी हम देख रहे हैं, न्याउज में वाइट का इशारा हो रहा है। अक्सर जब कॉमेंटेटर तारीफ करता है तो मंगल लूट जाता है, सनी केतु राहुल संजय जैसी आफतें हैं उस खिलाड़ियों के सर पर मंडलाने लगती है। वही देखा शरफ की थोड़ा सा तारीफ हुई, इसा से पता गया वाइट को विकेट अंपायर का, इसा इशारा के पता हुआ इसका कार्ड 27 क्योंकि सेम का सात विकेट बढ़िया गेंद। लेकिन डिफेंसिव क्षेत्र में दो रन जो क्लियर जोन है अस्थायी क्षेत्र में गेंद गई दो रन के लिए। इस दो के साथ इस प्रोग्राम पर मिशन के आउट 35 35 पर दो तीन मरीज नौकरी के बाद चौथा ओवर चल रहा है। बिल्कुल दिक्कत है अरसलान, हाँ वो इसे किए ताकि बड़े तमाम लोगों को करते हैं अपने लाइव पर जो लोग देख रहे हैं उनकी मिल गो मिल गो काम करिए कि भाई छावा भाई नहीं बैठे रहो भाई आज नहीं है सब क्रिकेट का क्रिकेट महासंग्राम का पहला दिन पहला मुकाबला आपके सामने जो चलवार नियाउस नाम मिर्जापुर नियाउस ने 6 विकेट गवाकर निर्धारित 682 रन बनाकर 84 का टारगेट दिया। पीछा कर रहा है मिर्जापुर तीन विकेट दो विकेट पर द्वारा टीम का चौथा ओवर है। शौकत का ताल्लुक कसाड़ा की सरजमीन से है, एक बढ़िया ऑलराउंडर लंबा कैरियर है शौकत का। अहमर का ताल्लुक सीपुर की सरजमीन से, ईंट भट्टा उद्योग के ओनर है अहमर। प्रयास का ताल्लुक नो बॉल का सेकंड अल्लाह शमन देखा क्रॉस कर गए और स्टेपिंग कर गए और अंपायर ने फुटबॉल नो करार दिया मिस्टर हसनात। एक फ्री हिट है, बढ़िया मौका है टीम के लिए, बढ़िया मौका, आवश्यकता भी है, जरूरत भी है, दस्तूर भी है। लेकिन सवाल ये क्या ये बल्लेबाज इस मौके को फ्री हिट में भुना पाएगा, बाउंड्री भुना पाएगा, तब्दील कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, एक प्रश्न है। गेंद को उछाल है फील्डर, वहां पर खतरे कोई बात नहीं है, कैश कर लिया गया लेकिन एक सिंगल मिल जाएगा फ्री हिट। 33 रन पहले आउट चिल्लावा कर बैट्समैन रन कैश तो कर लिया गया था लेकिन फ्री हिट जिंदा अगला पैरोक लगा बाबू तो का करते पिछमा खड़े हो रगवा खड़े रहो पट्टी डाले पड़ी हुई 33 रन भैया नहीं आउट दोनों आउटर एकदम फैयाज भाई वैसा आउटर ढूंढते ही हैं ओल्ड एज होम वाले जिनको कोई नहीं पू हम लोग फ्री वाला आउटर अरे भाई 4000 ले ली खेली ना भाई लेकिन दाना खेत हो गया खाली, अगले पल का इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल ये क्या पल्लेबाज ने कहावत सुना होगा कि दूर की चली बिल्ली झाग रोक कर पीती है। टीम कैप्टन जागापुर अगर आ चुके हैं तो नॉमिनेशन टेबल से संपर्क कर लेना। टीम कैप्टन जागापुर रास्ता नहीं है अच्छी गेंद इस मतलब चूंकि गेंद डिफेंसिव जोन में है ड्रेसिंग रूम खाली कर दें तमाम लोग जो हमारे कम्युनिटी भाव की बाएं जाने को ड्रेसिंग रूम बना रखा है जो बैठने के लिए बनाया गया है मैच के बाद एकदम होगा खंडवाली का तीसरा मुकाबला है भाई आप लोग आ जाए कुर्सियां खाली हैं खिलाड़ियों की बैठने की जगह बनाई गई है डग आउट को खाली कर दें आप लोग भाई अर्शद साहब मिर्जा महताब ये तमाम लोग अपने इमरान भाई तमाम लोग अपने साथियों के साथ स्टेज पर आ जाए ये ड्रेसिंग रूम खाली कर दें डग आउट खाली कर दें खिलाड़ियों के बैठने के लिए बनाई गई है जगह
चलिए एक और झटका लगता हुआ। फहीम मिर्जा, मिर्जा ताबिश, एक और आघा, एक और विकेट का पतन, 35 का कुल स्कोर है 35, 84 के जवाब में मिर्जा भाई जागा पूर्व कप्तान, तत्काल आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। जी हाँ मिर्जा ताबिश ये कह रहे हैं कि मिर्जापुर हार जाएगी, अब बचा ही क्या है, अब चौरिकता इस मिर्जापुर टूर्नामेंट से लगभग वो बाहर हो चुकी है, नियम अनुसार एक फॉर्मेलिटीज बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहिल भाई, अवैध अगर लगातार दो छक्का लगाते हैं 200 रुपए इनाम दिया जाएगा। लड्डन साहब की जाने से पहला छक्का आया है अभिषेक के बल्ले से, राशिक प्रधान कदराकोल थोड़ी देर हमारे बीच से जुड़ने वाले हैं, टूर्नामेंट से जुड़ने वाले हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं भैया अबू सुफियान बेग मिर्जापुर और उनके नाम निहालों का, इस्तकबाल मिर्जा माता प्रधानपद के प्रत्याशी मिर्जापुर इमरान साहब अर्शद भाई तमाम लोगों से निवेदन है कि स्टेज पर आ जाए, डगआउट खाली कर लें, वो खिलाड़ियों के बैठने की जगह बनाई गई है। पांचवा ओवर है 41 स्कोर बोर्ड, अभी भी 43 रन बनाना, 1.5 कुछ ओवर का खेल बचा है, ऐसे में 43 रन बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो खेला स्टैप ड्राइव किया लेकिन फील्डर उस ओर एक रन लेगा भाई, टीम कैप्टन धन्यपुर, टीम कैप्टन जागापुर प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाए टॉस से, ये में आ जाए टॉस के लिए, मोहम्मद उस्मान शेख वालेकुम अस्सलाम टूर्नामेंट से जुड़ते हुए मोहम्मद उस्मान शेख, पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 42-42, पांच ओवर की समाप्ति के बाद 84 के जवाब में मिर्जा हुआ बहुत जी शुक्रिया। जागापुर और धन्यपुर के ग्रुप टॉस हुआ, टॉस जीत कर धन्यपुर ने कप्तान का विश्वास यकीन अपने बैट्समैनों के अपने गेंद बाजुओं पर जताते हुए पहले गेंद बांसी करने का फैसला है, विश्वास अपने बॉलरों के बाजुओं पर और अपने फील्डरों के कांधों पर रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला है धन्यपुर कप्तान का। दो छक्के पर अवैध के दो छक्के पर 200 रुपये इनाम दिया जाएगा शब्बीर साहब की जाने से, अरे हाथ वाला लड़ाई होते लाजवाब ग्राउंडेड शॉट हैज बीन फील्डर बट नो चांस मार्करा इन द बाउंड्री। आज खुरासों का मैच नहीं है भाई राजीव भाई, आज खुरासों का मैच यहां नहीं है। 47 रन बढ़िया क्रिकेट हवा तेज चल रही है, तेज हवाएं पछुआ जिसे हवा कहते हैं, पश्चिमी तरफ से हवाओं का तेज झकोरा मैदान पर महसूस किया, धूप खिली हुई है, हल्के बादल आकाश पर देखे जा रहे हैं और मौसम महकमा का उत्तर प्रदेश के सीनियर ऑफिसरों ने अलर्ट जारी कर रखा है, पिछले दो दिनों तक बारिश और ओला के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। चौकी के साथ 51 कुल स्कोर है मिर्जापुर का 51, लास्ट अंतिम ओवर चल रहा है, इसके बाद का मुकाबला बहुत प्यारा होने वाला है। ग्राम सभा के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जागापुर जो पूर्वांचल में घूम कर अपने नाम का परचम लहराया है, आतिफ है, तहरीस आलम है और धन्यपुर फैज उबैद वसामा जैसे स्टार हसनाद जैसे स्टारों से सजी है, यानी मुकाबला करो या मरो डू और डाई में खेला जाएगा, यानी लोहा लोहे से टकराने वाला है, इसलिए छिंगारियां भरने वाली है। इसके बाद का आज के दिन का दूसरा मुकाबला इंतहाई खतरनाक इंतहाई दिलचस्प होने वाला है, एक एक गेंद और एक एक रन बचाने के जितना मेहनत अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन, वाइट का इशारा, एड़ी और चोटी का बल लगाया जाएगा, दांव पेश पूरा खेला जाएगा, हर हाथ का हाथ
हथकंडा इस्तेमाल होगा। क्रिकेट के तमाम फन उभर कर सामने वाले आने वाले हैं। बहुत प्यारा होने वाला है। 55 रन बना है। चलिए भाई, इसी के साथ आज का पहला मुकाबला समाप्त। न्याउचे